किसान कानून पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, मोदी सरकार तीन उद्योगपतियों की गुलाम। किसान कानून पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को तीन उद्योगपतियों के हाथों बेचना चाहती है। सरकार विरोध करने वाले लोगों को आतंकी बताती है, सरकार के खिलाफ किसान खड़े हो जाते हैं तो उन्हें खालिस्तानी बताती है, मजदूर खड़े होते हैं तो उन्हें आतंकी बता देती है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि यदि किसी दिन मोहन भागवत सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी उन्हें भी आतंकी बता देगी। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य, और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो दो तीन चार बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे, एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।